थी ये जहां जब ना था, जब ना थी ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहां, जब ना था कुछ यहां, आ मगर तू ही तू, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2 24/7 ZU FM 98.2 आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZU FM 98.2 पयामे जुस्तजू। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी, आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है, आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन लिसनर, सुघुनो बहुत हुआ घुना पर। So, बता दीजिए कौन है जो सुनते हैं चोरी चोरी छुपके छुपके रोजाना। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में वेलकम करेंगे आपको। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकेकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। आप क्या करेंगे, आपने सर्च करना है फेसबुक पर अपनी आईडी, लॉगिन करने के बाद ZU FM 98.2, साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली। दो पेजेस नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, राइट। थोड़ा सा आगे जाएंगे, मजीद आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanOfficial। मेरा अकाउंट वहां पर भी आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। मजीद आगे जाएंगे तो नजर आएगा ट्विटर, ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanAli। और आगे जाएंगे मजीद, मतलब आपने ना बस आगे जाते ही रहना है, आपने जाना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाकर आप लोग सर्च करेंगे @SayyedaFarhanAli, राइट। वहां पर भी मेरा चैनल आपको नजर आएगा, उस चैनल को भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी शो मिस कर दिया यहां से, तो वो शो आपको वहां पर मिल जाएगा सुनने के लिए, राइट। देखिए, हमने आप लोगों के लिए इतनी आसानी कर दी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब क्या किया, आपको कौन सा बिल आना है, आपके कौन से पैसे खर्च होंगे, एक क्लिक तो करना है, ठीक हो गया। चलें जी, बातें बहुत सारी होंगी, आप ये बताइए वीकेंड कैसा गुजारा आपने, सैटरडे संडे क्या क्या किया, किस किस को परेशान किया, सो के गुजारा या क्या किया। बहुत सारे लोग सोकर ही गुजारते हैं,
सो ऑफ कोर्स पूरे हफ्ते बाद जो है वो कुछ लोग सिर्फ सोने में निकाल देते हैं, दैट्स रियली ओके. सो साथ ही साथ और क्या चल रहा है ये बताइए, हम भी बताएंगे भाई क्या चल रहा है दुनिया में, खबरें शबरें आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी सी देर में. और गाने नहीं चलेंगे 11 मुहर्रम तक मेरे शो में एटलीस्ट, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मेरे शो में आज से कोई गाना नहीं चलेगा 11 मुहर्रम तक. इंशाल्लाह हम जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कलाम सुनाएं, ठीक है. फिर उसके बाद सो अभी हम जो आपको कलाम सुनवाने जा रहे हैं वो हम सुनवाते हैं आपको, चलें जी हम ये मेरा जो फेवरेट है ना उसी से स्टार्ट करते हैं. और ये तो मैंने आप लोगों को इतना सुनाया तो याद हो गया होगा ना. इसके बाद वापस आएंगे, आज के टॉपिक्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना. आपने कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के. Keep rolling your comments on Facebook, stay tuned. कुल जहाँ पर छाने वाले आ गए, कुल जहाँ पर छाने वाले आ गए, कुल जहाँ पर छाने वाले आ गए. रहमते बरसाने वाले आ गए, रहमते बरसाने वाले आ गए. बशारत जिनकी दी, आ गए वो आने वाले आ गए. परेशानी वाले आ गए.
ZDFM 98.2 आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZDFM 98.2 24/7 ZDFM 98.2 आज के दो टॉपिक्स आपको बता देते हैं। कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वाला। और किसी चीज की आवाज कहां से आ रही है मुझे? ओके ठीक है, साथ साथ भाई आपने क्या करना है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे शो में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका कार है, आपने बस सर्च करना है ZUFM 98.2 फेसबुक पर जाकर और सैयदा फरहाना अली, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial। सो पहले तो आपको टॉपिक्स बताएंगे, फिर आपको बताएंगे खबरें जबरे बता देंगे क्या चल रहे हैं। और अच्छा जी, सो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि देखें, बहुत सारे लोग ना हमारे बारे में अफवाहें तो बड़ी उड़ाते हैं, हमें जो हम नहीं होते वो भी लोगों को जाके बता देते हैं ना, ताकि फिर वो लोग उसी पर बिलीव करके फिर हमारे बारे में बुरा सोचें, अच्छा सोचें, जैसा भी सोचें। लेकिन अक्सर लोग जो है वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं ना आपके बारे में, जो आपके फरिश्तों को भी पता नहीं होती कि वो आपने किया भी है या वो आदत आपके अंदर है भी या नहीं। लेकिन अफवाहें जो है वो अगर आपके बारे में उड़ाई जाती हैं वो तो लोग उड़ाते हैं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि आपको अगर अपने बारे में कोई अफवाह उड़ानी होगी तो वो क्या अफवाह उड़ाएंगे आप अपने बारे में, ये आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। सो जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि ओके, आजकल ना आपको सबसे ज्यादा बोरिंग प्रोग्राम कौन सा लगता है जो टीवी पर आता है? आपको लगता है बिल्कुल फजूल है ये, मतलब इसका तो कोई मकसद ही नहीं है, बिला वजह में जो है ना लोग टाइम जाया करते हैं इसको देखकर, वो क्या है, कौन कोई ड्रामा है, कोई यू नो कोई एड है, तो आप बिल्कुल आगे बता सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा प्रोग्राम टीवी पर आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। इतना कोई दुनिया का आसान तरीन टॉपिक बता दिया, अब किसी ने बोला ना कि इतना मुश्किल टॉपिक है, फिर देखें बताती हूँ। ओके सो क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं साथ साथ। ओके अच्छा जी, सो ओके ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है भाई, सो भाई सबसे पहले तो कोरोना
कोरोना के बारे में हम हमेशा रोजाना में बात करती हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं आप लोगों से ना कहूँ कि भाई जो है वो कोरोना नहीं गया है, मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। जो लोग अभी भी कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, नहीं बना हुआ NIC, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा पता है क्या, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, NIC बंद होगा तो क्या हो गया, हम तो पाकिस्तान के शहरी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई शनाख्त आपके पास अगर वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, जो शनाख्ती अलामत है वही आपके पास नहीं रहेगी जिसको मनसूख कर दिया जाएगा, तो फिर आप कैसे पाकिस्तान के शहरी रहेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना। दूसरे ममालिक में पता है क्या हो रहा है, कहा जा रहा है भाई अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको फला बेनिफिट देंगे, फला बेनिफिट देंगे। पाकिस्तान में जो है ना हमारी आवाम इतनी ढीठ है कि हमारी आवाम को कहना पड़ रहा है भाई तुम्हारी सिमें बंद कर दी जाएंगी, NIC कैंसिल कर दिए जाएंगे, तब जाके जो है ना वैक्सीन लगवाना शुरू किए लोगों ने। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी संजीदा नहीं है इस बात पर, उनको लगता ही नहीं है कोरोना जैसी कोई बीमारी है, उनको लगता है ये तो साजिश है, यहूदी साजिश। सो आप क्या कह सकते हैं, आपका दिमाग निकाल के धो तो हम सकते नहीं है, आपको खुद ही अपनी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी, सही है ना। तो वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकंड कभी उनका टाइम आ जाएगा तो प्लीज़ वो भी जाके ज़रा क्या कहते हैं जिम्मेदारी के साथ ना अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सही है। सो ओके, खबरें जो है ना आजकल बड़ी ख़तरनाक हैं, तो इसलिए खबरें जो है मैं कोशिश करती हूँ वो शामिल करूँगी जिसमें ज़रा नॉलेज हो, वरना इतनी सारी खबरें तो हम देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो चलें जी बात करेंगे हम आपके स्टार्स की, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेरियस। सो एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। टॉपिक्स मैं बिल्कुल बता चुकी हूँ तो आप लोग टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक हो गया। सो आज किसी हालत में भी दूसरों की वजह से अपने मूड का बेड़ा गर्क ना करें और अपने करीबी अफराद की जानिब से होने वाली तनकीद से भी ना घबराएं, बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर पुरसकून रखने की कोशिश करें। अपने जज्बात पर काबू पाने के अलावा बहस और तकरार से गुरेज करके झगड़े से बचें। आज आप अपने प्यार को गैर यकीन हालात वाकयात का शिकार बनाने से बच जाएं और ठीक है ना। सो अपने मुस्बत ख्यालात को अमली शक्ल देने की कोशिश करें, यानी उनकी खूबियों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करके फायदेमंद नतीज का हसूल मुमकिन बनाने की कोशिश आप कामयाब बना सकते हैं। इसके अलावा मनफी सोचों पर काबू पाएं और माली दुश्वारियों या कारोबार में वक्ती नुकसान से ना घबराएं बल्कि एहतियात बरतें, राइट। सो बात करेंगे हम पाइसिस की, ऑफ कोर्स पाइसिस की बात करेंगे। सो पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज अपने जज्बात की वजह से हासिल होने वाली हिम्मत और तवानाई का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाकर अपने अमली अहदाफ का हुसूल मुमकिन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो तमाम जो है वो काम पॉजिटिव हो जाएंगे। जब आपके इमोशन ही पॉजिटिव हैं तो फिर कुछ भी नेगेटिव ना आपके सामने टिकेगा नहीं, ठीक है। सो दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अपनी तरजीहात का तयन पहले से ही करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप अपने कारोबारी हालात में बेहतरी लाने की कोशिशों में मसरूफ हो सकते हैं, लेकिन आपको माली फवायद के हुसूल की बाबत अपने पार्टनर को समझाना जरूरी होगा और आज अमली इकदामात का नतीजा आपकी तवक्को के बरखिलाफ हो सकता है, ठीक है ना। सो लिहाजा अपने आपको पुरसकून रखते हुए दूसरों की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करते रहें। साथ साथ बात करते हैं हम एरीज की, एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज खूब सोच समझ कर कोई अमली कदम उठाएं और अपने आप को उसी हालत में दूसरों के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिशों में तेजी पैदा करें। आज मुमकिन तौर पर आपके रिश्तेदारों का जो है वो आपके यहाँ चक्कर लग सकता है और इसलिए आपको वक्त से पहले जो है ना अपने नामुकम्मल कामों को मुकम्मल कर लेना चाहिए, ताकि जब मेहमान आ जाए ना तो फिर आपके काम रह ना जाए, आप कहें कि भाई लो ये वाला काम रह गया, तो इसलिए आप अपने मेहमानों को टाइम दे सकें पहले से पहले तमाम काम को मुकम्मल कर लीजिए। आज अपनी माली हालत बेहतर बनाने की कोशिशों में अपने प्यारों को नजरअंदाज करने की वजह से किसी झगड़े का आगाज भी हो सकता है, तो वो आपने उससे बचना है, यानी कि झगड़ा नहीं करना। मोहतात रहकर पैसा कमाने के मौकों से फायदा उठाने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून और मुतमईन बना सकते हैं आप, लेकिन ऐसे मौके पर किसी भी अहम फैसले को हतमी शक्ल देने से गुरेज करें आज के दिन, राइट। बात करेंगे टॉरस की, टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
अच्छा जी, ओके। सो आज आपको अपनी समाजी ताल्लुकात और कारोबारी माशी और पेशावराना हालात में कामयाबी के मौके नजर आ सकेंगे कि जिसके लिए आपको अपने हासिल करदा बेहतर मौके का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा कि जिसकी वजह से आपके हालात में बेहतरी आ सकेगी। आज आपको किसी कारोबारी दौरे पर अचानक बिना किसी मंसूबा बंदी के जाना होगा कि जिससे आपकी माली हालत में बेहतरी आने के अलावा आपके घरेलू मामला भी मजीद बेहतर हो जाएंगे। और आज अपने अहम अमूर की तकमील में किसी किस्म की हिचकिचाहट से काम ना लें और अपने लिए कारोबारी मालूमात का हुसूल जो है वो यकीनी बनाकर आप अपने सामने आने वाले हालात से भरपूर फायदा उठाने की कोशिशों का आगाज कर सकते हैं। ठीक हो गया, बात करेंगे जेमिनाई की। जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड ठीक है, सो आज अपने मुश्किल अहदाफ के हुसूल के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और हिम्मत से काम लेना होगा ताकि कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जब सामने आने वाले गैर यकीनी हालात और खुफिया रुकावटों को दूर करने में आपको अपनी खुद अदा सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी के इम्कान को मजीद बढ़ाना होगा ताकि आसानी अपनी मंजिल पर पहुंच सके। लेकिन आज कामयाबी आपके इख्तियार में नहीं होगी। अपने जज्बाती और प्यार भरे ताल्लुकात के बारे में आपको कई अहम फैसले किसी की मदद और मुशावरत के बगैर करने की कोशिशों से गुरेज करना होगा। दरअसल आज आपको अपनी दुनियादारी और अपने समाजी मामलों में सिर्फ अपने जितान पर ही भरोसा करके फैसले करने से दूर रहना चाहिए। चलें जी, बात हो गई है आपके स्टार्स की, अब हम कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद है हमारे साथ, किस किस ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी और कौन है कि जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है। सो हमदुल्ला बलखेल, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मसूद अहमद साहब, इतनी सॉरी आंखें भेज दें, क्या हो गया भाई? ओके, साथ साथ फरहान शेख कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम एन आरजे, सो वट शुड आई डू मैम, प्लीज टेल मी। So first of all, you have to listen to different RJs, right? You have to graduate. और इसके अलावा अपना एक स्टाइल बनाइए, अपने जो है वो चीज़ें लिखिए। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो है वो, क्योंकि अक्सर हम जिनको सुनते हैं उन्हीं की लाइन्स हमारे जहन में बैठ जाती है ना, तो आपने क्या करना है अब, जब क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट की बात कर रही हूँ मैं, बाकी तो फिर आप उसके बाद कोई मसला नहीं होता। जो स्टार्ट जब आप लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे लोगों को सुनना ज़रूरी है। लाइन्स अपनी ज़रूर लिखें, अपने लिंक्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस के बगैर किसी ऑडिशन में अपेयर हो जाएंगे ना आप, तो जाके मैं बता रही हूँ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर जाकर ऑडिशन वगैरह दीजिए। बस इतनी सी बात है, पैशन होना ज़रूरी है। कभी ये मत सोचिएगा कि पैसे कमाने के लिए आरजे बनना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अक्सर ये बातें होती हैं ना कि हमें पैसे चाहिए इसलिए जो है ना हमें रेडियो करना है। तो पैसों के लिए कभी आप रेडियो नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव पैशन, रेडियो अगर आपका पैशन है तो ही आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सो सैयद जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और साथ साथ और कौन है हमारे, मोहम्मद अली, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जब्बार वैसर, वैसर वैसर क्या नाम है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ ज़रूर अली, आपकी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, कुल जहां में छाने वाले आ गए। बिल्कुल जी, बेशक, थैंक यू सो मच आबिद अमीर। साथ साथ शाहजेब अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं कराची से शाहजेब बोल रहा हूँ, शो वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया। साथ साथ मसूद अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत हैं। कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो आपको सलामत रखे, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आमीन समामीन, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, खुश रखे। कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और क्या कहना यह है कि यहाँ अरब कहते हैं क्या, अरब खित्ते में, अच्छा, हिजरी कैलेंडर 1443 का आगाज हो चुका है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। साथ साथ कहते हैं कि एक मन कबत तो सुनवाइए प्लीज, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, जरूर आई विल डेफिनेटली प्ले, लेकिन ये मैं जरूर देखूंगी कि इस पे कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है। साथ साथ ओके, मोहम्मद अली कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल अर्ज सब के वालदैन को हयात, जो हयात हैं उनको अपनी अमान में रखे, आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक, बहुत शुक्रिया, आपको कलाम पसंद आया। साथ साथ गुलाम मुस्तफ़ा दर्जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उस्मान शाहिद कहते हैं इस्माइल अच्छा है आपका, अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, दवा जैसी ऑर्डर, दवा जैसी, उफ माय गॉड, इतनी कड़वा तो नहीं बोलती मैं मैं कभी कड़वा बोलती हूँ क्या? कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, यू नो
लोगों को जो है ना चैन नहीं आता जब तक उनको सुनाया ना जाए, क्योंकि फिर ऐसी बातें जो आके करते हैं इस वजह से फिर ओके वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अरे मैडम आज फिर से सर में दर्द है, वही वहीं से ही बैठे बैठे कुछ कीजिए भाई। मैं एक बात बताऊं आपको, आपको डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको जो है वो सर दर्द की शिकायत रहती है। या तो आप पानी बहुत कम पीते हैं, अक्सर जब आप पानी कम पीते हैं उस वजह से भी सर दर्द होता है, और लेकिन आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, मेरा आपको मशवरा है, ठीक है। साथ साथ मोहम्मद फराज़ वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं क्या हाल है और वीकेंड कैसा गया, मिस तो किया होगा मुझे बिल्कुल भी नहीं, तो मैं क्यों मिस करूँगी। मैं है माना कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन इसका मतलब भी थोड़ी इतना फ्री नहीं हुआ करोगे तो मैं मिस करूँगी मैं। और और साथ साथ अच्छा जी मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक वन पर जवाब है कि मैं अपने बड़े अपने बारे में यही फेक न्यूज़ दूंगा कि मैं जेड एफ एम के स्टूडियो गया और मंडे के शो में मेहमान बना। बेटा ये तो तुम्हारा ख्वाब ही है तुम अफवाह ही उड़ा सकते हो बस ये कहते हैं टॉपिक टू पर जवाब है बोरिंग, तो मुझे COVID-19 की न्यूज़ के अलावा सियासी खबरें लगती हैं। साथ साथ अमरजीत नंदा कहते हैं हाँ जी पाकिस्तान वालों सलाम कबूल करें प्यार भरा। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, क्या हाल इंडिया वालों। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं सबसे बोरिंग यूट्यूब पर जो एड आते हैं एड्स, हाँ भाई वो मोहसिन जागत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। मोहसिन ठीक हैं, खैरियत से हैं। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको आने वाली ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सब। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी माने या ना माने कॉन्स्पिरेसी तो है कुछ किस बारे में। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं वीकेंड अच्छा गुजरा और इतवार का दिन का आगाज मोबाइल के टूटने से हुआ, ओहो मोबाइल टूट गया। कहते हैं कि एक बार टूटने के बाद भी अच्छा चल रहा है कहते हैं मोबाइल फिर क्या जरूरत है खर्चा करने की, अच्छा ठीक है। साथ साथ ओके मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक वन पर मैम मैं तो ये अफवाह उड़ाऊंगा कि तैमूर के नाना फरहाना मैम की कार में बैठकर सेवन शरीफ गए उनके शादी आने की मन्नत के लिए देखें शादी के लिए मन्नत मानने की क्या ज़रूरत है ना, एक जनरल बात है, मतलब किसी से भी शादी करनी है तो मन्नत मानने की क्या ज़रूरत है भाई, डायरेक्टली आप अल्लाह ताला से कॉन्टैक्ट करें ना, नमाज पढ़ें, नमाज में आप दिल से जो है वो दुआ करें, फिर कहीं कोई नहीं जाता भाई। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अपनों के बगैर अकेले जंगल का शेर भी शिकार हो जाता है, अपनी ताकत पर कभी घमंड ना करना, ठीक बात सही बात है। कहते हैं असल ताकत आपके अपनों से है, कभी भी अपनों को फरामोश ना करना, ठीक हो गया। साथ साथ असद असलम कहते हैं कि हाय फरहाना जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि मैडम इस इस्लामी न्यू ईयर पर क्या क्या विश होंगी आपकी, प्लीज शेयर करें। क्यों बताऊं मैं अपनी भाई विषय है, आप लोगों को क्यों बताऊं विषय क्या होता है, पहली बात तो ये नहीं मैं अपने विशेज आप लोगों के साथ क्यों शेयर करूं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने मैं तो अब जिंदगी में जो हो रहा है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करती, आप बातें कर रहे हैं अपनी विशेज शेयर करूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। साथ साथ कहते हैं ये हमारे इस्लामिक ईयर है, बिल्कुल जी ऐसा ही है। साथ साथ मोहम्मद मीरान जाखरानी कहते हैं सलाम नाइस शो, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ आबिद में कहते हैं पता है शाह साहिबा इस्लामी तारीख का आगाज मेरे आइडियल यानी कि हजरत उमर फारूक की शहादत से होता है, वाह क्या शख्सियत हैं फारूक आजम, बिल्कुल जी ऐसा ही है। और खान लाला वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। असद असलम कहते हैं और फरहाना जी कराची का मौसम कैसा है, कराची का मौसम बहुत अच्छा है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं टॉपिक पर जवाब है कि मैं टीवी ही नहीं देखता हूँ और मोबाइल में अगर सामने कोई दो उलमा कराम में बहस हो रही हो तो वो बोरिंग है, ओके ठीक है। और खान लाला बहुत शुक्रिया कहते हैं कि सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ मोहम्मद रशीद कहते हैं कि ओके वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और नदीम रजा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अली शेर शेख वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तबस्सुम प्रिंस है, तबस्सुम प्रिंस नहीं आते हमारे शो में लेकिन वो नाम लड़की वाला है सही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ खान लाला कहते हैं अपने दोस्तों के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अरे वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। साथ साथ कहते हैं अब्दुल कयूम हूँ मैं, खान लाला कहते हैं मैं अब्दुल कयूम हूँ, अच्छा ओके ठीक हो गया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक टू पर मैम मुझे वो हर टीवी क्या चुगलियों का टॉक शो अच्छा नहीं लगता है,
क्या लिखा है, टीवी चैनल उसका टॉक शो अच्छा नहीं लगता जिसमें डिबेट के दौरान पार्टी के मंशूर के बजाय एक दूसरे के जो है वो जाति, अच्छा कहते हैं जाति हमला करते हैं, करने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब क्या करें भाई, देखें अगर उनके पास कुछ नहीं होता ना, जब ये जो भी बातें करें, जो भी पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में आके बातें करते हैं ना पर्सनल लेवल पर जाकर, इट मीन्स दे आर नॉट प्रोफेशनल, सही ना, क्योंकि उनके पास कोई और बात नहीं होती। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता ना, दलील नहीं होती उनके पास देने के लिए, तो फिर वो पर्सनल अटैक करते हैं, सीधी सी बात है। साथ साथ दिलदार खान कहते हैं कि गुड शो, तो इसमें शो का क्या कसूर है भाई, कि टॉक शो का क्या कसूर है इसमें, ये तो उन लोगों का कसूर है। ओके, दिलदार खान कहते हैं कि गुड शो, मेरे गुरु का सलाम दो आप ही हैं, मेरे गुरु को सलाम दो, खुद ही जाके अपने गुरु को सलाम दे दें, इसमें क्या है, हो सकता है आपका गुरु नहीं सुन रहा फिर। साथ साथ काशी वाली मालिक कहते हैं एक और बात, कोरोना वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है। हाँ तो भाई, ये आपसे किसने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा, ये तो एक सेफ्टी मेजरमेंट होता है ना भाई, आपको वैक्सीन लगवा दी जाए ताकि एटलीस्ट आपके चांसेस तो कम हो जाए उसमें मुबतला होने के, राइट, और आपकी बॉडी जो है वो इस काबिल हो कि एटलीस्ट अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आप उससे लड़ सकें, आपकी बॉडी उससे लड़ सके, ठीक है। साथ साथ काशी वाली मालिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि और खाला खालू की तबीयत कैसी है, आपके घर वालों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत शुक्रिया, आमीन स्वामी जजाकल्ला। मेरा वीकेंड अच्छा गुजरा, और क्या किया था मैंने वीकेंड पे, हाँ बिजी गुजरा था, सही है। हाँ बिजी गुजरा, और ठीक है, अब मेरे फादर अब काफ़ी बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ज़रूर मज़ीद दुआएं कीजिएगा ताकि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएं, राइट, और अम्मी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आवेदन मेरे कहते हैं टॉपिक पर अफवाह फैलाऊंगा संडे को, हैं संडे को कि आरजे के फरहाना के घर पे लंगर है। सबने लाजमी आना है वरना खाना ज़ाया हो जाएगा, फकत आरजे फरहाना। ओके ठीक है। साथ साथ देखिए, खिलाने वाली जात तो अल्लाह ताला की ना, इंसान की क्या हैसियत कि वो किसी को कुछ खिलाए, राइट। सो इंसान को अल्लाह ताला सिर्फ पैसा ही दे देता है कि वो जो है वो एक जरिया बन जाए, वरना खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। खान लाला बहुत शुक्रिया, कहते हैं आज का मौसम अच्छा है यहाँ पंजाब का, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि लाहौर में न्यू वेरिएंट के केसेस आए हैं, अली मुझे पता है ये पुरानी खबर हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ मियां शुएब उस्मान बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जवाद अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम की, मैडम जी क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, मेरा हाल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, आप बताइए कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं। तारिक अजीज़ कहते हैं कि सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं VIP प्रोग्राम है, कोई अच्छी सी कवाली प्ले करना, ज़रूर ज़रूर, वाई नॉट। और साथ साथ मियाँ शोएब उस्मान वालेकुम अस्सलाम, एंड बहुत शुक्रिया, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। खान लाला कहते हैं पश्तो का सॉन्ग डेडिकेट कर दें, सॉन्ग हम प्ले नहीं कर रहे हैं बेटा, तुम शो सुन ही नहीं रहे हो, एवं जो है ना मुझे लग रहा है ड्रामे कर रहे हो। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि हाँ हाँ हमसे सब पूछ लेना, खुद कुछ नहीं बताना। कहते हैं वाह वाह लड़की, नहीं जो बातें बताने वाली होंगी वो तो बता देंगे, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हम अपनी विशेष भी आपको बता देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहते हैं कि वैसे ऐसा करने को क्या कहेंगे भाई, देखें जो विशेज होती हैं ना, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, आप वो थोड़ी ना पब्लिक में जाके बता देंगे हम ये करने वाले हैं, ये हमारी विश है, ये पूरी हो जाए, वो तो आप अल्लाह ताला के साथ शेयर करते हैं ना सिर्फ, आप किसी और के साथ क्यों शेयर करेंगे उसको, राइट। सो ये मामला अल्लाह ताला और एक बंदे के दरमियान ही रहना चाहिए। मोहम्मद अली कहते हैं कि इंशाल्लाह आज फिर लग ट्राई करूंगा कॉल की, बिल्कुल ट्राई कर लेना अली। साथ साथ काशी वाली मालिक कहते हैं मैं गलत अफवाहें नहीं फैलाता, ओके ठीक है। साथ साथ गुलाम मुर्तजा खोसो कहते हैं गलत क्या, पॉजिटिव भी फैला सकते हैं अफवाहें, कोई जरूरी थोड़ी कि गलत ही हो, पॉजिटिव सोचा करें भाई, पॉजिटिव बी पॉजिटिव। सो गुलाम मुर्तजा खोसो वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ कहते हैं कि कैसे हैं आपके मूड मिजाज, बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल जी मेरे मिजाज एकदम उम्दा आला कमाल। साथ साथ अथर कमाल कहते हैं कि आई एम अख्तर कमाल फ्रॉम कागान, सो नाइस, वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया कागान से सुनते हमें। और साथ साथ मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया कहते हैं, अभी वो कौन से वाले काशिफ भाई थे जो कहते थे कि सुबह सुबह आप पर कुछ गिर जाए तो पैसे मिलते हैं। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं एक बात शेयर करना है, लाइफ में बाहर का सब कुछ खा लेना बट बाहर का बना हुआ कीमा मत खाना। क्यों, चूहों का कीमा खा लिया आपने, ओ माय गॉड, लग रहा है मुझे आपने ना चूहों का कीमा खा लिया है ना, मैंने सुना था पहले ना, बहुत टाइम पहले ना, राइट, एक या दो साल हो गए हैं आई गेस, तो बड़ा सुनने में आता है कि वो जो कीमे वाले समोसे होते हैं, वैसे हम कीमे वाले समोसे हम तो बाजार से कभी खाते ही नहीं है, राइट, अब बनाना हो ना आप घर में बनाए चाइनीज समोसे, माय
गॉड, देखिए हम ना हर चीज़ को देसी कर लेते हैं ना, तो आप बनाए वो चिकन वाले समोसे, तो ये बाजार से जो है ना आपको कीमे वाले समोसे खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ, हमने सुना था भाई कि भाई चूहों के कीमे से जो है वो कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई थी कि भाई समोसे बन रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में। लाहौर में तो बस क्या कहें, बेचारे वहाँ पे तो गधे भी शर्माते हुए भाग जाते हैं। अच्छा जी, आई एम रियली सॉरी लाहौरियों। साथ साथ खान लाला कहते हैं, पहली बार आपका शो सुन रहा हूँ, मेरा दोस्त अब्दुल कयूम जो है ना मेरे साथ बैठा है। चैलेंज ज़बरदस्त हो गया, फिर भी पश्तो ट्राई की फरमाइश करो, जबकि पता है अभी के गाने में नहीं चला रही हूँ फिर भी। असद असलम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि फरहान जी, आप हर एक कॉमेंट के बाद आप साथ साथ क्यों बोलती हैं, क्योंकि साथ साथ ही तो होते हैं कॉमेंट, कौन सा अलग अलग है। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि जिसको सर दर्द, दांत दर्द और कान दर्द वगैरह अक्सर रहता है, तो मेरा मशवरा है कि अपनी मुंडी ही बदलवा लें। हाँ, मुंडी बदलवा लें, क्या फ़ायदा होगा उसका फिर। साथ साथ अख्तर शाह, बहुत शुक्रिया, आप क्वेटा से सुनते हैं। साथ साथ आप तो मेरे कहते हैं पंजाब के वज़ीर सेहत यासमीन रशीद को का बयान सुना आपने वैक्सीन पर? नहीं, मैंने नहीं सुना, एटलीस्ट नहीं सुना मैंने एक्चुअली। दो दिन से खबरें नहीं देखी मैंने, मैं सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक ही खबरें देख रही हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो गया मुझे। वाकई में मैं सब बता रही हूँ, मैंने सैटरडे मतलब सरसरी से मैंने देखी है, लेकिन यू नो मैंने खास तौर पर बैठ के खबरें नहीं देखी हैं कल और परसों। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं, सुनकर अच्छा लगा कि कलाम प्ले होंगे, बहुत शुक्रिया। साथ साथ ओके आबिद अमीर कहते हैं कि क्या मैंने भी वैक्सीन सिर्फ पाबंदी की वजह से लगवाई, वरना मैं तो इस हुक्मरानों पर तो भरोसा नहीं करता कसम से। हद है, मतलब ऐसे लोगों की तो वाकई में सिम जो है ना बंद हो जानी चाहिए। तारिक अजीज कहते हैं, आज का कोई क्वेश्चन है या नहीं? बिल्कुल जी है। आपसे अगर कहा जाए कि भाई आपने ना अपने बारे में कोई अफवाह उड़ानी है, तो वो क्या अफवाह आप अपने बारे में उड़ाएंगे, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। आज साथ साथ आपने बताना है आपको सबसे बोरिंग प्रोग्राम क्या लगता है टीवी पर। दिलदार खान, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ मोहसिन लगत कहते हैं कि आपको पता है कि 14th August एक दिन आगे हो गई है। हैं, ये किसने कह दिया? साथ साथ क्या हो गया, 14th August आगे हो गई, मौसम क्या हो गया? मतलब साथ साथ मोहम्मद अहसन कहते हैं कि सलाम पाकिस्तान, मुल्तान से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। काशी वाले मालिक कहते हैं कि रात को 4 बजे खाना खाया मैंने। अच्छा, हमने पूछा था क्या? अच्छा। ओके, साथ साथ दिलदार खान कहते हैं गुड शो, बहुत शुक्रिया। साथ साथ ओके कहते हैं कि वॉइस ऑफ 17 ग्रुप को सलाम दुआ भी हैं, ये कौन है? साथ साथ हमारे कौन है, इशफाक राजा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं अच्छा ठीक है। मसूद अहमद साहब कहते हैं, मैम मैं जो आपके टॉपिक पर आंसर करता हूँ ना, बस आप उसे फकत फनी निगाह से देखना देखना, ये क्या माय एल्बम क्या लिखा है, और कि वो जो रब है वही सब जानता है। हाँ, वो सब वही सब है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, नहीं मैं तो एक जनरली बात की है मसूद अहमद साहब, आपको उसको दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक जनरली बात कर रही हूँ ठीक है। वरना वो हर इंसान का अपना अकीदा है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं, हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, आज सो आज कमेंट नहीं कर पाऊंगा, चलें बेस्ट ऑफ लक, जिंदा वापस आ जाना तुम। सही है, वरना 33 साल की उम्र में 3 सालों वाली बातें कौन करेगा, 3 साल के बच्चे जैसी। साथ साथ नहीं मजाक कर रही हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अदा फरमाए। मोहम्मद अली कहते हैं, आबिद अमीर भाई बाहर का खाते क्यों हैं? अच्छा जी, साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं, टॉपिक पर, मुझे टीवी ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है, बोर करते हैं, और हम जब छोटे थे तब हुआ करते थे ऐनक वाला जिन, और बस कर दें, आप छोटे हुआ करते थे उस टाइम पर जिस टाइम ऐनक वाला, खुदा का खौफ करें भाई ऐनक वाला जिन। ओ माय गॉड, आप जो है ना उस टाइम पर अच्छे खासे बड़े होंगे, इतना मैं बता दूं, ऐनक वाला जिन के टाइम पर हम तो बच्चे हुआ करते थे। बस कर दें आबिद अमीर कहते हैं, धुआं और अंगारवादी। ओके, साथ साथ मजर अब्बास भी कहते हैं, फ्रॉम लैया पंजाब, सलाम आरजे। मजे की बात बताऊं, मैंने जो है ना सारे ड्रामे रिपीटेड देखे हैं, कोई भी जब असल ये कब आए हैं ड्रामे ये तो मुझे पता ही नहीं है, बट तमाम ड्रामे जो आपने बताया ना, ये अंगारवादी भी, धुआं भी, और ये ऐनक वाला जिन भी, ये सारे ड्रामे रिपीटेड देखे। सोचे मैं कितनी छोटी थी उस टाइम पर, जब रिपीटेड देखे उस टाइम पर भी इतनी छोटी थी।
फिर तो मतलब आप लोगों की तो मतलब वाह वाह क्या बात है। और वैसे एनक वाला जिन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, 3-4 बार रिपीट हुआ है 96 में, उसके बाद भी 98 और आई गेस आफ्टर जो है वो 2001 भी जो है वो रिपीट हुआ है, बड़ा रिपीट हुआ है ये ड्रामा तो। खान लाला कहते हैं मेरा सलाम। अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद बलोच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके कहते हैं बलोचिस्तान से फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ चैलेंज, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। साथ साथ काशे वाले मालिक कहते हैं कि नींद ही नहीं आ रही थी तो सोचा खाना ही खाया जाए। सही है भाई, ठीक है। और सलमान खान वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं। अखलाक अहमद कहते हैं कि मैं हवा फैलाऊंगा कि कोरोना खत्म हो गई है। ओके फिर तो आवाम ने वैक्सीन ही नहीं लगवानी, ये तो और खतरनाक हो जाएगी अफवाह। तारिक अजीज कहते हैं मैं अपने फोन ऑफ कर दूंगा, ऑफ करने से पहले घर कॉल कर दूंगा कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ये अफवाह। तो साथ साथ काशिफ वाली मलिक कहते हैं मेरी तो हो गई है वैक्सीनेशन, जबरदस्त हो गया। आप मेरे कहते हैं लॉकडाउन हटने के बाद लाइफ कितना सुकून आई है। क्या और क्या बद्दुआ लगेंगी इनको। हाँ सलमान खान देखें अभी आप, ये लगेगा दोबारा लगेगा लॉकडाउन, आप देखिएगा जरा, आई एम टेलिंग यू। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप भी से नहीं जीत सकते। हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही है। साथ साथ सलमान खान बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक अजीज कहते हैं मेरे पास जो सिम है वो मेरे दोस्तों के नाम पर है, मुझे वैक्सीन लगने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मतलब क्या बोलूँ अब मैं, आजकल पता है क्या, हम जो है ना ये देखते हैं कि हमारा नुकसान है, अगले बंदे को चाहे नुकसान हो जाए लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगले बंदे का नुकसान हो रहा है तो होता रहे, बस हमारा किसी तरह से नुकसान ना हमारा फायदा हो जाए बस। तो मतलब अगर वो किसी और के एनआईसी में है उनकी सिम्स वगैरह, पहली बात तो ये गैर कानूनी है कि आप जो है वो किसी और के नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ी गैर कानूनी बात तो यही है। आपके दोस्त भी वही सही हैं कि भाई अपने नाम पर जो है आपको सिम दे दिए कि लो भाई इस्तेमाल कर लो, आपने कभी कुछ गलत करना है तो वो पकड़े जाएंगे। सुन ले अगर आपके दोस्त ना ये बात नहीं। ओके चलें जी, हमारे ना पता है क्या सही गलत का हम लोग यू नो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, बस हम अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने फ़ायदे में भाई कोई गलत भी चीज़ है ना उसको भी सही कर देते हैं, उसको भी जो है ना कहते हैं भाई हम तो सच्ची बात करते हैं, बस सच्ची बात है ये। अच्छा जी प्ले क्या करें, चैलेंज ये प्ले कर देते हैं, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZU FM 98.2 के एंड कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक, स्टे ट्यून्ड। मुझ पर खुदा की
पर खुदा की लबों पर है मेरे सनाए मोहम्मद। नहीं कुछ यहाँ माँ सिवाए मोहम्मद 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 मोहम्मद। Ziauddin University FM 98.2।
आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। It's 1 minute past 10 on the dial right now. So, जी हमने आपसे पूछा है, आप बताएंगे हमें कि अगर आपको मौका दिया जाए कि अपने बारे में कोई अफवाह आपको फैलानी है तो वो क्या अफवाह आप फैलाएंगे, right? साथ ही साथ आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो भी कौन सा एक बोरिंग प्रोग्राम है जो आपको बहुत ही बोरिंग लगता है। नहीं, वो प्रोग्राम बोरिंग नहीं है लेकिन आपको लगता है बोरिंग है। कोई भी टीवी शो हो सकता है, कोई टीवी ड्रामा हो सकता है, कोई एड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, सही है ना। सो शेयर करेंगे आप हमारे साथ ऑन फेसबुक। 10 बज चुके हैं, 03213660303 इस नंबर टू कॉल। तमाम लोग कॉल कर सकते हैं क्योंकि है मंडे। सो मंडे को हम सबको मौका देते हैं कि सब बात कीजिए, कोशिश कीजिएगा कि मुख्तसर बात करें, जल्दी बात करें ताकि और लोगों को भी मौका मिले। और सिर्फ 4 मिनट का टाइम है, कोशिश कीजिएगा कि 4 मिनट से पहले बात खत्म कर दें। So, क्योंकि अगर कोई और बात नहीं है तो 4 मिनट से पहले बात मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। अगर वाकई कोई जरूरी बात है तो 4 मिनट पूरा आप इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। So, चलें जी बात करते हैं आपके स्टार की, विच इज कैंसर। सो कैंसरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ये जरूर हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले स्टार की बात करेंगे, फिर उसके बाद कॉल्स को शामिल करेंगे। कॉल्स आना शुरू हो गई। सो आज अगर आपने ये इरादा कर लिया है कि आप हर कीमत पर कामयाबी हासिल कर लेंगे तो फिर आपको कामयाबी के लिए इंतजार करना होगा ताकि हैरान कुन नतीजे आपके सामने आ सकें। आज आपको किसी भी मौके पर सख्त कलामी से काम नहीं लेना चाहिए और ना ही हालात को तकरार की हद तक लेना चाहिए ले जाना चाहिए। हाँ, बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों में कामयाबी के अलावा अपने घरेलू मामलात और पहले से शुरू करदा पुराने मगर नामुकम्मल कामों की तकमील के लिए रकम का हुसूल मुमकिन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप में हालात और दूसरों से बाहमी ताल्लुकात के हवाले से जन्म लेने वाले अंदेशों और बेबुनियाद खदशात को खत्म करने की लाजमी कोशिश करें और तमाम मामलात में मोहतात रहें। ठीक हो गया। चलें जी बात करेंगे हम पाइसिस की, कि पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और मेरे ख्याल से कॉल को शामिल कर लें, फिर इसके बाद पाइसिस की बात करते हैं, देखते हैं कौन है मार्शल लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? रुखसार इस्लामाबाद नेवी से, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया फलाना, मुझे संजीदा और नसीर भाई ने बताया तो मैंने फौरन से पहले कॉल मिलाई, मेरी मिल गई, लकी हो ना। चैलेंज बिल्कुल लकी है, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया जी। रुखसार कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जश्न आजादी मुबारक हो, नया दिन मुबारक हो, नया हर दिन आपके लिए खुशियाँ लाए, भूले से भी गम आपके पास ना आए। बहुत शुक्रिया, आमीन सुमामी, जजाकल्लाह। आज ही मैं आपको सुन नहीं रही हूँ, मैंने ऐसे ही मैंने तो कल गए कॉल मिल गई, मैं अब आपको सुनूंगी, फिर बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपने कभी भी नहीं सुना। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपने कभी भी नहीं सुना मेरा शो, है ना? हाँ ना, मुझे इतनी प्यारी आवाज को मैंने खोया हुआ था तो मुझे तो एकदम संजीदा ने बताया। चलें जी, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। और कॉल भी ड्रॉप हो गई, ओहो बात ही बुरी नहीं, बात ही करी थी, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें जी, खैर है, कोई नहीं। आप लोग बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं, 03213660303 नंबर टू कॉल। और चलें जी एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड क्यों रिसीव नहीं हो रही कॉल, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहसिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। मोहसिन क्या कहेंगे, अफवाह वाली बात जो है ना वो ऐसा है कि अभी 4-5 पहले जो है ना वो शो पे ना एक लड़का है, बड़ा फनी शरारती सा है। अच्छा। पास में एक आंटी खड़ी है, मतलब कस्टमर थी। हाँ। और शॉपिंग चीजें वगैरह ले रही है तो आके ना तो कहता है उस्ताद जी। हाँ। आपको पता है कि वो इमरान खान ने जो है ना वो 14 अगस्त आके कर दिया। अच्छा। और हमें तो पता पता चल गया, अब आंटी जो है ना वो बस फिर जूं तरीफे करनी शुरू हुई है ना इमरान खान की। हाँ। इसको ऐसा हो जाए तो ये तो सही है। अच्छा।
अच्छा सही है सही है. वैसे अगर पता है अगर लोग तारीख पढ़ लेना तो पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही आजाद हुआ था. लोगों को ये पता ही नहीं, आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है ये बात. ये तो बाद में जो है वो डिसाइड किया गया था कि हम 14 अगस्त को मनाएंगे. अच्छा ऐसा ही है. ठीक और बताइए और क्या कहेंगे. और बस इसके अलावा वो दूसरा टॉपिक है वो जो आते हैं ना यूट्यूब पे, मतलब अक्सर फिल्म मूवी वगैरह या कुछ देख रहे हो ना तो जो दरमियान में ऐड आते हैं ना वो एकदम सारा जो है ना वो सब कुछ किरकिरा कर देते हैं एकदम. सही है ठीक हो गया. और बताइए. और बस इसके अलावा दुआओं की दरखास्त है और जितने भी हमारे आउट ऑफ कंट्री के मुसलमान भाई हैं उन सबको जो है वो नया साल मुबारक. अल्लाह पाक सबके लिए जो है वो ढेरों खुशियां रहे नए साल में और सबको जो है वो आफात से बचाए. आमीन सो आमीन. जो हमको मुश्किलात और जो परेशानियां उनसे हमें जो है वो दूर फरमाए. आमीन सो आमीन. हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए. बिल्कुल जी आमीन. सबको नया साल मुबारक. बहुत शुक्रिया. आपको भी मुबारक और अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए. बहुत शुक्रिया मोहसिन कॉल करने के लिए. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे. अलाफेज अलाफेज. ओके ठीक हो गया भाई. और बिल्कुल जी आप लोग कॉल कर सकते हैं 03216603303 इज नंबर टू कॉल. और बात करते हैं हम पाइसिस की. पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. आज अपने जज्बात की वजह से हासिल होने वाली हिम्मत और तवानाई का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाकर. मैं पाइसिस की बात क्यों कर रही हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ ये. मुझे पाइसिस की बात नहीं करनी, लियो की बात करनी है. ओके सो आज अपने आप पर यकीन रखें क्योंकि आपका एतमाद ही असल ताकत है. आज इश्तराक के अमल के जज्बात को फ़रोग देकर ही आगे कदम बढ़ाएं. लेकिन याद रखें कि इसमें बहुत से सख्त मकाम भी आ सकते हैं कि जिनकी जद में आपकी जज्बाती कैफियत भी आ सकती है और आपकी माली हालत भी आपको परेशानी में मुबतला कर सकती है. सो यूं समझें कि जैसे आप एक अजीब से इम्तिहान और मुश्किलात के चक्कर में फंस चुके हैं लेकिन आपको अपने दोस्तों की मोहब्बत और अपनाइत पर एतमाद करते हुए अपने फैसलों पर डट जाना चाहिए. लेकिन किसी के फैलाए हुए खौफ से जान बचाने के बाद ही सुकून से बाकी तमाम मामलों को भी निपटा सकेंगे जबकि सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना फायदेमंद साबित होगा. बहुत शुक्रिया. अच्छा जी कॉमेंट्स करने का मैं बिल्कुल शामिल करती थोड़ी सी देर में. लेकिन अभी हम जो है वो आपके स्टार्स की बात कर रहे हैं. ठीक हो गया. बात करते हैं कॉल पर आने के बाद ना एक बात याद रखिएगा कि अपनी बात करनी है सिर्फ, किसी और की आगे बात नहीं करनी. मैं इतना बता दूं ये मेरे शो का रूल है. अगर आप लोगों को नहीं पता, जिसको नहीं पता वो इस रूल को जरा अजबर कर लें, राइट, याद कर लें, दिमाग में बिठा लें. अपनी बात करेंगे. अगर कोई भी बात शेयर करेंगे उसका रेफरेंस नहीं है प्लीज जहमत मत कीजिएगा मेरे साथ कुछ शेयर करने की. आई एम टेलिंग यू आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. सो ओके बात करेंगे हम वर्गों की. वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. आज अपने मामलात में इस हद तक मसरूफ ना हो कि आपके प्यारों को आपकी जानिब से नजरअंदाज किए जाने का यकीन हो जाए. और अगर आपने किसी कारोबारी दौरे की तैयारी कर रखी है तो इसमें अपने लाइफ पार्टनर के मशवरों को शामिल करके ही अमली इकदाम करें. आज बहुत से गैर मुतवक हालात वाकयात आपके सामने आने से आपको तयशुदा अहदाफ मुकम्मल करना मुमकिन ना होगा बल्कि उन्हें नए सिरे से तरतीब देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करें और किसी फर्द से किसी भी हालत में बहसों मुबाहसा और तकरार से बचने की कोशिश करें क्योंकि अगर आप ऐसे किसी भी काम में मुलव्वस हो जाएंगे तो फिर अंजाम उसका ना अच्छा नहीं होगा. सो बुरे कामों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता. जो लोग साजिशें रचते हैं ना समझते हैं किसी और को पता नहीं चलेगा तो उनके साथ भी कभी अच्छा नहीं हो रहा होता. सो प्लानिंग अगर करनी है ना तो अच्छे काम की प्लानिंग करें, ठीक है, ड्रामेबाजी करने की प्लानिंग ना करें, सीधी सी बात है. हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, करके देख ले नहीं तो. मेरे शो में आखिर ड्रामेबाजी जो करेगा उसको तो फिर बस. और अच्छा जी ठीक है चलें जी कॉल्स को शामिल करते हैं. 03216603303 इज द नंबर टू कॉल. अब जो भी कॉल आएगी, कॉल ड्रॉप हो रही है बार बार, जो भी कॉल आएगी ना वो कॉल हम शामिल करेंगे. देखते हैं कौन है हमारे साथ. अच्छा जी साथ साथ कुछ कमेंट्स को भी शामिल करेंगे. और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपकी शुक्र है काफी हो गई है. चलें जबरदस्त हो गया. क्या हाल है अली, कैसे हो, ठीक हो, खैरे से हो. अभी बस रात भर घड़ी अपना टाइम टू टाइम जागता रहा हूँ अम्मी की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी थी कि उनको सर्दी लग रही थी, बुखार था उनको,
और ये है कि वीकनेस हो गई थी, मोशन तो उतने नहीं हुए थे, उनको एक ही हुआ था। चलें ठीक है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी अम्मी को जो है वो कमाल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, उनका ख्याल रखिए, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। उनको वैसे तो मैंने अपना एक पेन किलर खिला दी थी, उसके बाद से काफी फर्क है, वो आराम से अभी भी सो रही है, वो वीक है लेकिन ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और यही मैंने रिक्वेस्ट की थी भाई, जिनके वाले नया थे ना, वो उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत अदा किया था। सही है, ठीक हो गया। अब ये अफवाहें फाहें तो अभी अपनी जान से मुतालिक तो उड़ानी ही नहीं चाहिए। अभी एक भाई का अपनी अली मैंने अभी कहा अपनी बात करो, किसी और की बात नहीं करो, छोड़ दो, जो कोई भी कमेंट कर रहा है उस पे आगे कोई और जो कमेंट कर रहा है ना उस पे आगे कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं पहले बता रही हूँ। मैं तमाम जितने भी मेरे इस्लामी सुन रहे हैं शो, उनको और जो नहीं सुन रहे उनको भी नया साल मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। अभी मैं दुआ करता हूँ कि इस नए इस्लामी साल में हमारी ये जो परेशानी आएगी ना उसको दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। मैं याद रखिए जरूर, और कोई मसला नहीं है, आप डांट लिया करें। और आबिद भाई के लिए, आबिद भाई के लिए मैं जो है हाजमुला का एक टेम्पर पार्सल कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो बिरयानी बिरयानी होगी ना हर जगह। सही है। और मेरे बड़े हैं, मैं मजाक कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमें फैमिली की तरह मजाक से चलता ही रहता है। सही बात है, किसी को बुरा ना लगे। सही है, लेकिन तुम्हें बुरा लग जाता है, किसी को बुरा लगे ना लगे, तुम अली तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते मजाक, ये मैंने देख लिया, बहुत दफा देखा है। वो असल में वो कहा ना कि पोलियो के गधे, वो मुझे बुरा लगता है। तो ये बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें, लेकिन बात में मैंने अपने खुद एहतसाबी की भाई की इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, मजाक उन्होंने कहा कि जी हमारे भाई चलो जबरदस्त हो के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और वैसे आज ही जब आपने कहा ना लकीली फर्स्ट कॉल मेरी लगी। हाँ छोड़ दो बस अली, अपने रोने ये लग गई ना तुम्हारी कॉल, आपसे बात होगी ना बड़ी, तुम जो है ना क्या बोलूँ मैं तुम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, बस चलो अल्लाह हाफिज, चलो सारी बातें करके बंदा नहीं आपसे बात हो गई ना, चलो बस सब ठीक है, मतलब क्या है यार ये क्या है, मतलब हाँ मतलब हाँ सारी बातें करके सारे शिकवे शिकायत करके नहीं अभी आप तो आपसे बात हो गई ना बस अब ठीक है, मतलब ये वाली बातें हैं क्या। ओके कॉल्स को बिल्कुल शामिल करेंगे, अखलाक अहमद बहुत शुक्रिया जी, साथ साथ कहाँ तक कमेंट्स को शामिल कर लिया था मैंने ये भी मुझे याद नहीं है। ओके अच्छा जी ठीक है, चलें एक कॉलर को शामिल करते हैं जब तक, फिर देखते हैं हम जो है ना हमने कहाँ तक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। और चलें आबिद अमीर कहते हैं कि बड़े ही मीठे लोग होते हैं बलूचिस्तान वाले, सफर में आते जाते छोटा हो या बड़ा हाथ के इशारे से सलाम जरूर करते हैं। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। एंड देखते हैं कौन है मार्शल लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे मेरे भाई, ठीक है, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है कोयटा वालों, जबरदस्त हो गया जी। हाँ बिल्कुल सिस्टर, यकीन करें कल नहीं परसों से लेकर अभी तक हम लोगों ने 70 साझाकारी कर लिया, हम लोगों ने 70 पौधे लगा लिया। वाह क्या बात है भाई, 70 पौधे लगा लिए, जबरदस्त, ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। अरे इंशाल्लाह सिस्टर 14 अगस्त तक हम लोग 150-200 दाने पूरा कर लेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जबरदस्त हो गया। अगर आप ये जो पौधे जो है ना जो काटे जा रहे हैं हर जगह से, इसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा मौसम जो है बिल्कुल तब्दील होता जा रहा है, तो बहुत जरूरी है, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। सर आगे पर आए सब, बस ये नहीं के बस हम लोगों ने झंडे लगा लिया, बस हम लोगों ने आजाद मुल्किया, ये जो रोड से एक पत्थर भी उठाए तो यकीन कर समझ के अपने अपना मुल्क की परदादा कर लिया। सही बात है, सही बात है, जबरदस्त हो गया। जो हम लोग कहते हैं तो बहुत कुछ हम लोग करते हैं, कुछ भी नहीं है। सही सही सही, दूसरे से हम लोग ये करते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों कर रहे, आप में सारी जिंदगी हम लोग गुजर गई। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सच कहा आपने। सर ये भी मुल्क की खिदमत है, ऐसे ही है। यकीन करें मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, कल जब हम लोग इस दुनिया में नहीं होएगा तो फिर वो लोग बोले कि वाकई है, तो उसी टाइम को पौधे और जो अमला ने लगाया हुआ था। सही सही ठीक हो गया, हमें अच्छे अच्छे काम कभी करना चाहिए सर। और दूसरा और कॉल क्यों ड्रॉप हो गई आज, पता नहीं क्यों कॉल ड्रॉप हो रही है भाई, चलें खैर है। और अभी 4 मिनट तो हुए नहीं थे, पहले ड्रॉप हो गई कॉल। चलें जी
देखते हैं कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रबियो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रबिया, कहाँ हो तुम? घर में हूँ, शो सुन रही थी आपके शो। तो हुआ एक हफ्ते में नहीं सुना आपका शो। एक हफ्ते नहीं सुना, क्यों? बिजी थी। शॉपिंग कर रही थी तुम? बिजी भी थी मैं ये बात। हाँ बेटा, शॉपिंग कर रही थी। हाँ है ना, शॉपिंग कर रही थी ना, सच बताओ जी। और लॉकडाउन में कहाँ पे शॉपिंग हो रही थी, जरा ये बताओ मुझे। हुई है थोड़ी बहुत। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर तो नहीं किया तुमने कुछ? नहीं ऑनलाइन, तो देखो ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करो ये ना, मतलब आएगा कुछ और। मंगवाओगे कुछ और आएगा कुछ और। बात हाँ जी सुनाइए। जब मैंने आपकी कॉल की थी ना पहले, वो मैंने बोला मेरा दिमाग बुखार था ना। हाँ। तो दिन मैं डॉक्टर के पास जा रही थी ना भाई के साथ। हाँ। तो बाइक से गिरी थी, उधर ही और भी बीमार हो गई थी। बाइक से गिर गई थी? ओहो, ख्याल किया करो लड़की, आराम से ध्यान से बैठा करो भाई बाइक्स पे। आप लोग बड़ा एहतियात किया करें, खासतौर पर जो लड़के जो ना बहनों को बिठा कर भी इतनी तेज जो है वो बाइक चला रहे होते हैं, तो एहतियात किया करें, ख्याल किया करें बहनों का। उसको तो छोटे बहुत लगी थी लेकिन मुझे नहीं लगी। अच्छा तुम्हें नहीं लगी, भाई को लगी है। अब ठीक है तुम्हारा भाई? जी आप सही है। अल्लाह ताला से अदा फरमाए, ख्याल करना चाहिए। ये जो लड़के होते हैं ना वो समझते हैं कि हम कोई जहाज उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज है ये, बाइक नहीं है हमारी। अच्छा और सुना आप कैसी हो? मैं एकदम प्यारी सी वैसी जबरदस्त। हाँ वो तो बताए मुझे। तो फिर पूछा क्या तुमने? मैंने बोला आप कैसी हो, आदमी से बात कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। और बताओ क्या कहोगी, टॉपिक सुन लिया तुमने? सुना है। हाँ बताओ। लेकिन आजकल तो हमारे टीवी खराब हो गया है। टीवी खराब हो गया है? ओहो चलो खैर, अगर टीवी खराब हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बस एक बोलने वाली मशीन तो चुप हो गई जो सारा दिन बोलती रहती है चू 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 चू, और नहीं तो उसका क्या फायदा है। अच्छा वैसे टीवी अगर खराब हो जाए ना कभी, या टीवी बंद हो, वैसे तो अगर, वैसे मैं भी नहीं देखती टीवी, अगर टीवी बंद होता है ना इस टाइम पे लगता कोई एक घर का फर्ज चुप हो गया है ना, ऐसा लगता नहीं है? अच्छा सही है, ठीक हो गया। और बताओ क्या कहोगी दूसरे टॉपिक पे? दूसरे टॉपिक पे ऐसा तो कुछ मैं क्या बोलूंगी, वो अफवाह किस चीज पर? अफवाह नहीं पता, अफवाह कोई से भी उड़ाओगी ये नहीं पता? नहीं पता, इसे बहुत सारे ना, पता नहीं कौन सा। चलो ठीक है जबरदस्त। और बताओ और क्या कहोगी? और सबको सलाम, अंकल को, वालेकुम अस्सलाम, को खुशी को, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया, आपको भी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और क्या बोलो। चलो ठीक है, अपने ख्याल रखना, ठीक है, खुश रहिए, सलामत रहिए, आप भी खुश रहिए, सलामत रहिए, हाफिज। वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी ओके, अच्छा जी कौन है? इट्स आकी, कहते हैं कि अभी मैं आपका शो ना डेली सुनता हूँ बट टेक्स्ट या कॉल नहीं करता। चलो जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ वाली मालिक कहते हैं 10 दिन की बात है, नहीं 10 दिन तो नहीं, खैर थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम दुआ कि अबू ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का तो जिक्र किया मगर। हाँ भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, छोड़ें जाने दें, सही हो वैसे भी ना, चलो छोड़े सियासी बातें नहीं करते हम। आविदा मीर कहते हैं मैडम दिल के डॉक्टर के पास जाना पड़ा मुझे, बहुत कुछ नहीं बोल सकता, बस वैक्सीन के बारे में जो मुझे पता चला वो अफसोसनाक है। क्या पता चला वैक्सीन के बारे में, बताइए ना ऐसा कैसे, आप पूरी बात तो करें, आधी बात करके कौन ऐसे छोड़ता है, बीच में पूरी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फायदा, कैसी हो? मैं एकदम जबरदस्त, बहुत प्यारी माशाल्लाह, अल्लाह ताला में आपको ऐसी प्यारी रखे। आमीन सुम आमीन, जजाक अल्लाह, हमारे दिलों को जो खुश करती हो ना। हाँ जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह जी। फायदा क्या कहेंगी, क्या कहूँ, कहे ना टॉपिक के बारे में, टॉपिक के बारे में मैं अपने लिए अफवाह फैलाऊंगी, जो जनवरी से पहले मेरी खुशी आती ना वो मेरे पास वापस आ गई। अच्छा वापस आ जाए जी, मतलब कुछ लोगों को तकलीफ होती है ना ऐसे किसी को कुछ देख,
अच्छा खुश देखकर कुछ लोगों को तकलीफ होती है। उन लोगों को तो और जलाना है, जो लोग बताए आपकी खुशी से जिनको तकलीफ हो ना उनको तो और जलाएं, और जलाएं, इतना जलाएं कि बस जल भूंगे कबाब बन जाए और खाए भी ना उनको कोई। सही है, ठीक है। और दूसरा कौन सा प्रोग्राम बोल रहे हैं ना, यूट्यूब पर जो ऐड आते हैं ना कोई, तब उसी से गुस्सा आता है। अच्छा भाई, ये यूट्यूब कैट से हर कोई परेशान है, वो लोग तो जिनकी वीडियो है उनको तो पैसे कमाने। वो तो कहते हैं हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो ये ऐड आएंगे तभी तो मोनेटाइज होगा। सही है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। और बताइए और क्या कहेंगी फायजा, क्या चल रहा है और हो क्या रहा है घर में, ये बताइए। घर में अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। ठीक है, सब जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया। अम्मी भी शो सुन रही है आपका। अरे वाह, अम्मी को सलाम कहिएगा मेरी तरफ से, बहुत शुक्रिया फायजा की अम्मी जी, क्या आप सुन रही हैं, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे, आमीन। दुआओं में याद रखे, जरूर जरूर जरूर, आप तमाम लोग मेरी दुआ में शामिल हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा फायजा। और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी क्या? माशाल्लाह ये अच्छा शो है आपका, नाते पे ले करे तो भी अच्छा होगा ना। हाँ ये कलाम प्ले कर रही हूँ ना, कलाम सही है, नातों पे पता है कॉपी राइट आ जाएगा, ये फेसबुक का शो डिलीट करना पड़ जाएगा फिर। अच्छा, सही है, चलो मैं ट्राई करूंगी कि जाते जाते कोई ऐसी नात लगा जाऊं, आप लोग बाद में जो इसको रेडियो पर सुन लें सिर्फ, सही है। चलें, बहुत शुक्रिया फायदा, थैंक यू सो मच, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे सलामत रखे, लाफेज लाफेज। वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि मैं वसीम बादामी फ्रॉम कश्मीर, आप कैसी हो, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलें जी देखते हैं एक मजीद कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैजा, आप क्या हाल है फैजा भी हैं? अभी आपसे दोस्त हूं मैं तो। हां जी, कैसे भाई आप, ठीक हैं, खैरियत से? नाम बताइएगा अपना। आमिर मलिक बात कर रहा हूं कराची से। आमिर मलिक, ओके मेरे भाई, पहली बार बात हो रही है आपसे? जी पहली बार हो रही है। और सुनाए सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, बोलिए। 14 अगस्त मुबारक। अभी तो बहुत दूर है, क्या हो गया भाई, एक हफ्ते पहले क्यों आगे जो है ना मुबारकबाद दे रहे हो? चैलेंज बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया। टॉपिक में कुछ कहना चाहेंगे, टॉपिक सुना आपने? टॉपिक नहीं सुना, बस अभी शो आपके चालू किए तो नंबर। चैलेंज जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और भाई देखें, कोशिश करें अगर मेरा शो नहीं सुन रहे तब भी नंबर डायल करने की जहमत ना करें प्लीज, और अगर टॉपिक नहीं सुना तो भी एवं ही कॉल ना करें, टॉपिक सुन के फिर कॉल करें, टॉपिक सुन लें कॉल कर लें, दैट्स ऑल। सो ओके, चैलेंज एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे हैं जी, क्या कहेंगे आप, कैसे हैं आप, ठीक हैं खैरियत से? हाँ जी सही है, काम पड़ गया, वो चले गया तो फिलहाल मेरा चले, ठीक है। आपने टॉपिक तो सुन ही लिया होगा ना? यहाँ टॉपिक मैंने सुना था जी, बताइए। वहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बस मैं अपने बकरियाँ चला रहा हूँ तो अचानक से शेर आ जाते हैं, मेरी बकरियाँ खा जाते हैं और मैं जो है वो शोर डाल देता हूँ कि बचाओ मेरी बकरी को शेर खा गया। बेटा ये जो तुमने अपने स्कूल में किताब में पढ़ी थी ना वही बता रहे हो आगे? अच्छा आएंगी तो पता चल जाएगा आपको, सही है। अच्छा तो वैसे मुझे दुआ करनी है आपके वाले साहब से, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको किया तुम तंदुरुस्ती दे, आमीन सो आमीन, जज़ाकअल्लाह। आपके लिस्टर है बहुत सारा बच्चे लिस्टर है, जैसे साहब है हमारे प्यारे लिस्टर, उनको भी सलाम मेरा कह देना। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सबकी जानिब से। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। मैं बहुत मिस करता हूँ आपके प्रोग्राम को, लेकिन क्या करूँ मेरा मोबाइल टूट गया किस्मत में ऐसा था। चलें आप नया मोबाइल ले लें फिर आप हमारा शो मिस नहीं कर पाएंगे। जरूर जरूर, सही है, चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके मसूद अहमद साहब कहते हैं फरहाना मैम हमें ये भी बताएंगे प्लीज कि आपके बाद सदफ मैम के शो है, देखें इट डिपेंड्स, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है मैं भी आज हूँ मेरा शो करें। चलिए एक कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शौजिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ, मैं ये नहीं पूछ रही कि आप कैसे हैं, पूछ रही कि आप क्या हाल है, मुझे मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। हाँ, देखो अब ये पूछोगे कैसी तो मैं तो बहुत यही कहूंगी ना, बहुत प्यारी हूँ मैं। हाँ, वो तो सबको पता है। हाँ जी बताइए क्या कहेंगी, क्या कहूँ आप पूछें। हाँ, कौन सी अफवाह उड़ाएंगी अपने बारे में? मैं अफवाह उड़ाऊंगी कि फराना का शो जो है ना वो मैं करती हूँ और... अच्छा हाँ, वो नहीं करती, वो मैं होती हूँ। सही है, ठीक है। और बताइए और कौन सा प्रोग्राम आपको बहुत बोरिंग लगता है? प्रोग्राम टीवी पे है नहीं। अच्छा, पहले देखती थी अम्मी के घर। अच्छा, अम्मी के घर देखती, तो अम्मी के घर पे जब देखती थी टीवी तो क्या बुरा लगता था, कहते हैं क्या हर वक्त ही चलता रहता, जब देखो बस बंद करो इसको। पीटी होम पे जो ड्रामे लगते थे ना पहले, पिछले पुराने वाले, वो कोई था कोई था। इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा ड्रामा, जो आपको बुरा लगता था? ऐसे अजीब ड्रामे, डोंट टेल मी यार, डोंट टेल मी, मतलब खामोश खामोश जो ड्रामे होते हैं यार, क्या ड्रामे थे वो देखे बस। अच्छा, अब अच्छे होते ड्रामे, सास बहुओं की लड़ाइयां, वो इतनी साजिशें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं अब तो, भाई आप तो घर वालों के साथ बैठ के भी नहीं देख सकते अब तो, ऐसे ड्रामे, सीधी सीधी सी बात है, आई एम टेलिंग यू, एक नजर से गुजरा ड्रामा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते कोई भी ड्रामा, अब के जो ड्रामे बन रहे हैं, मतलब इट्स टू ओवर। सही है, बड़े बड़े चैनल्स पे नाम है बस, लेकिन यू नो क्या कह सकते हैं, खैर जरूर इस पे नजर आसानी होनी चाहिए, पैमरा को जरूर इस पे एक्शन लेना चाहिए। और बताइए और सब ठीक? और मैं कह रही थी कि ना वो उसके क्या नाम है उसका, आवाज जरूर प्यारी होगी, असल में मसला ये है, ये बात नहीं है कि मुझे कोई कलाम प्ले करने में मसला है, मसला ये होता है हमारा फेसबुक का, सही है, अगर तो यहाँ पे कॉपीराइट नहीं है तो मैं जरूर प्ले कर दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक हो गया? चलें जी, जबरदस्त, चलें अब मुझे मिल तो गई है, मैं देखती हूँ, ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? सुनाओ कुछ। हाँ सुना दीजिए। कौन सा सुनाओ? जो दिल चाहे सुना दे। मैंने तीन चार याद किए और बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा चलें सुनाएं। फिर भी तुमको चाहूंगा। अच्छा, सही अच्छी बात है। हाँ सुनाओ। सही ना? हाँ सुनाओ सुनाओ। तुम मेरे पल मेरे हो कल शायद आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते लग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं तेरे कभी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं तेरे भी तुमको चाहूंगा, मैं तेरे भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में पर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। वाह चलो भाई जबरदस्त, क्या बात है क्या बात है, शाजिया जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छा गाया आपने, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और हाँ जी अच्छा जी द
दैट्स सो स्वीट. अच्छा जी, हाँ दैट्स नाइस, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, चले जी, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज. और राइट, और हमारा बीजीएम कहाँ चला गया भाई? बीजीएम वापस आ जाओ भाई. ओके, बीजीएम को नहीं रुकना चाहिए. बैक टू बैक कैसे कॉल्स आज में शामिल करनी है. उज्मा खान कहती है हाय, बहुत शुक्रिया उज्मा, क्या हाल है उज्मा, लग रहा है पहली बार आई हैं आज, है ना उज्मा. अब्दुल लतीफ कहते हैं कि बाजी जंगी दरमियानी से आ गया हूँ, जल्दी हाजिरी लगा दें चैलेंज जी. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एक मालूम ये देनी थी कि क्या मालूम देनी थी, कॉमेंट स्क्रॉल हो चुका है. साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं मेरी होती पहली कॉल आपने उठाई नहीं. अच्छा जी, काशिफ अंसारी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. कहते हैं गुड मॉर्निंग सैयद जन्नत, गुड मॉर्निंग टू यू टू. कहते हैं आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक ये है कि आपने बताना है कि भाई आपके बारे में अगर आपको खुद को अफवाह उड़ानी हो तो वो कौन सी अफवाह होगी, साथ साथ कौन सा टीवी प्रोग्राम आपको बहुत बोरिंग लगता है. देखते हैं कौन है लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क्या हाल है रजा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, करम है उस परवरदिगार आलम का जी. समझे, इब्तिदा हो रही है 1443 की जी जी. तो सारी खूबसूरत समातों को मैं सलाम करता हूँ. वालेकुम अस्सलाम. और सलाम कुछ इस तरह से है, जरा गौर और फिक्र कीजिएगा जी जी. फलक ने झुक के किया जिसकी खाके पाक सलाम. फलक ने झुक के किया जिसकी पाक आपको सलाम. मुसाफिर आने रहे दस्तों करा बला को सलाम. क्या बात है. राहे वफा में गए मंजिल शहादतें, इस इब्तिदाए शहादत की इंतहा को सलाम. क्या बात है, क्या बात है. उभर उभर के नो के सिना से फजा में लहराया सिपाए इश्क के परचम में वफा को सलाम. क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. खुदा से दुश्मन जाना की भी मगफरत चाहिए, तेरी नमाज तेरी अजमतों और दुआओं को सलाम. क्या बात है, क्या बात है रजा साहब. मेरी निगाह भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, मैं किस तरह से करूँ शाह करबला को सलाम. वाह क्या बात है, क्या बात है. वो जिसके खून से तृष्ण में दी है रोशन फरोग दीदे महबूब है किबरिया को सलाम. क्या बात है बेटा. अब तो वैसे भी शायद क्योंकि आपके प्रोग्राम में शायद मैं शरीक ना हो सकूं, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि अफवाह फैलानी है मुझे आज. फैलाइए ना. और अफवाह ये है कि आज जो है हमारा सदफ नहीं आएंगे, लिहाजा फरदाना शाम के 5 बजे तक का प्रोग्राम करेंगे. मैं शाम 5 बजे तक प्रोग्राम करेंगे. चले ठीक है, सही अफवाह है. हाँ अफवाह है ना, सही है. उसके बाद MGY आ जाएंगे. सही है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया. इतनी खूबसूरत समातें सुन रही है. हाँ जी, फर्दन फर्दन नाम लेते हुए जरा मेरे को टाइम भी लगेगा. बिल्कुल, हमारे रहमान मलिक साहब हैं, हमारे अनवर मलिक साहब. क्या हो गया, पॉलिटिशियन को भी सलाम दे रहे हैं. रमजान मलिक, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सॉरी. रमजान मलिक साहब है, अनवर भट्टी साहब है जी. अंकल है हमारे खूबसूरत आवाज के मालिक जी जी. और हमारी खूबसूरत आवाजें जो लेडीज में है, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेकिन आपने बाद में कर दिया नाम. समझे, तो ये सारी जितनी खूबसूरत समाते हैं इन सबको मैं यही कह दिल से कहूँगा. हाँ जी, कि बस सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं गुस्सा तुम्हारे प्यारों का. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा. ओपनिंग हो रही है आयाम मुहर्रम की जी जी. गरीब सादा रकम है दास्तान हयात, इब्तिदाए इस्माइल और इंतहाए हुसैन. क्या बात है. अब तो तमाम आलम में अब तो मातम हुसैन हुसैन का हो गया. बस अल्लाह वाली से जियो सलामत रहो, खुश रहो. और हारून अंकल अल्लाह अल्लाह उन्हें खुश रखे. आमीन सुम आमीन. बीमार हैं तो परवरदिगार उन्हें सेहत कामला अता करे. और जितने मेरे बीमार रिश्तेदार हैं उन सबको खुदा मेरा गवाह बेटा, इस वक्त कम से कम 105 बुखार की बात कर रहा हूँ.
अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। हम दुआ करते हैं कि आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए। जी जी मेरे हौसले इसलिए नहीं टूटते कि मैं अफवाह ज्यादा फैलाता हूँ। अब आपको जो है वो सेहत और सलामती वाली उम्र अता फरमाए अल्लाह ताला। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा रजा साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। और साथ ही साथ कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं और आपके स्टार्स की भी बात करेंगे। स्टार्स भी तो हमने शामिल करना, कौन सा हमने बंदा रखा हुआ है, क्या आगे वो बात कर ले। और कॉल्स आ रही है बैक टू बैक, क्या करें, कॉल को शामिल करें। चलें कॉल को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्टार्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह क्या बात है काशिफ मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, कोशिश कर रहा था, ऐसा लगा हुआ था एक मरतबा कॉल लगी। अच्छा। मगर जरूरी काम आप कर रहे थे, स्टार्स का बताना। सही है। हाँ नहीं तो फिर वो बुरा मान जाते हैं ना। हाँ वाकई में। हाँ लोग राह देख रहे होते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा स्टार्स का। फिर भी दो तीन तो रह जाते हैं, छोड़ के चली जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी शो सुन रहा था और टॉपिक पे तो मैंने मैसेज पे जवाब दिए, मगर अभी पढ़ती हूँ, अभी नंबर आया नहीं। अभी पढ़ती हूँ। हाँ अभी पढ़। बिल्कुल पढ़ती हूँ। वो प्रोग्राम होते हैं ना अक्सर जो बार बार रिपीट होते हैं ना। हाँ। वो बड़े बोर होते हैं, हालांकि इतना टाइम तो खराब होता नहीं है। मगर अच्छा मैंने ये भी देखा है बहुत से लोग ना एक बार आया हुआ भी दोबारा भी देखते हैं, फिर 100 बार देखते हैं भाई। वो एक बार देखा हुआ प्रोग्राम भाई, देखा हुआ तो क्या होगा, क्या होगा देखा हुआ तो मजा आएगा देखने में। हमारे घर में तो आजकल ये हो रहा है, वो अर्थोरल ड्रामा आता है ना। हाँ। तो हमारे जो छोटे भांजे भतीजे हैं। हाँ। उनको बड़ा पसंद आ गया वो। अच्छा। 8 बजे आता है, जब भी देखते हैं 11 बजे भी देखते हैं। अच्छा दो बार देखते हैं वो ही आएगा। ये सही है भाई, बच्चे तो बच्चे हैं। सही है, जबरदस्त। बच्चे बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, बड़ों से ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं अर्थरूल में, तो सही बात है। और कॉल क्यों ड्रॉप हो गई है? चलें जी, बहुत सारे लोग मिला रहे होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए कॉल ड्रॉप हो गई है। ठीक है, let's see who is on call and assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ji, kaun hai hamare? Are main ye ki puch rahi hoon, kaun hai hamare saath? Assalamu alaikum sahab, kaise hain aap? Theek hain, khairiyat se hain? Aaj kaise hain? Alhamdulillah main zabardast hoon. बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्राम, बंद हुआ। हाँ मुझे बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है अपनी, मैंने कहा पता नहीं कौन की लड़की बोल रही है, पीछे से आवाज आ रही है, अब पता चला मेरी आवाज है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वॉल्यूम मैंने बंद कर दिया। जी जी खुशामदीद आपको, बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। धन्यवाद जी, और आपका बहुत खुशी होती है कि आप बहुत एक्टिव होकर प्रोग्राम को देते हैं और करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और अपने बारे में मुख्यमंत्री क्या बोला, अफवाह हो रहा है मेरे ख्याल, अगर एक अफवाह अगर हम उड़ा भी दें तो वो लोग तस्वीर नहीं देंगे। अच्छा। मिसाल के तौर पे क्योंकि मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं छिछोरा हो गया हूँ ना। हाँ। या मुझे अदब खत्म हो गया है, ये अफवाह मिसाल के तौर पे मैं बुलाता भी हूँ तो शायद काम लोग तस्लीम करेंगे, तो इसका कोई फायदा है नहीं। बाकी दूसरा जो मौजू है आपका, ये बहुत अच्छा मौजू है जी। कौन से अभी हम एक तहजीब, जिस तहजीब से वाबस्ता है ना मुसलमान से फराना, तो अगर हम ये जो हमारे कैमरा ने हमारे टीवी चैनल को 5-7 बजे से 12 बजे तक सियासी प्रोग्रामों के हवाले से टाइम दिया हुआ है जी। तो इसमें जिन लोगों ने हमें हमारी नौजवान नस्ल को संवारना है या अपना आइडियल उन्हें मुतारिफ करवाना है, तो हमारी नौजवान नस्ल के उनकी तरफ से पैगाम कुछ गलत जा रहे हैं। सही, उनकी आपको भी पता है एक चीज का, हम ऐसी गुफ्तगू सियासी कैदियों से या उनके नुमाइंदों से हमें सुनने को मिलती है जी। जो हम अपने दोस्त में भी अल्फाज बैठते हैं नहीं सुन पाते, ऐसी गुफ्तगू हो रही होती है। और दूसरा सारे गजीब शो भी चैनल ने काफी किया उनके प्रोग्राम को। अब देखिए कि तारिक अजीज साहब का जो शो हुआ करता था उसमें आप कह सकते हैं कि मालूमात का खजाना है, मालूमात का समंदर या मालूमात का दरिया हुआ करता था। कि हम बहुत शहरी का प्रोग्राम हुआ करता था, अदबी मालूमात हुआ करते, दुनिया के हवाले से सवाल बताए जा रहे थे।
अभी इनके प्रोग्रामों में एक मैं आप नाम तो नहीं दूंगा, उस प्रोग्राम को मैं देख कर इतना बोर होता हूँ, इन्होंने यंग जनरेशन को आंडे तोड़ने पे लगाया हुआ है, पानी की बाल्टियां भरने पे लगाया हुआ है, उन्होंने मसलन ये आपने विक्टू को गेंद मारनी है, इनके डायरेक्ट साहब की उन्होंने काफी दुकान दी, इनके वो कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, बिल्कुल उन्होंने नकल तो कर ली लेकिन अकल से वो आ रही है, बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम में इनके कुछ इनामात आप दे रहे हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह है, लेकिन इनामात किस चीज पे दिए जा रहे हैं? सही, आप अंडे तोड़ने पे इनाम दे रहे हैं, आप ज्यादा भागने पे इनामात दे रहे हैं, भी आप उन चीजों इनाम देने के वक्त आप सवालात क्या कर रहे हैं? सही, अगर सवालात को आप देख रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान के हवाले से मालूम होनी चाहिए, उन्हें अदब के हवाले से मालूम होनी चाहिए, कि आप अपने स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं चैनल की, लेकिन आप अगर पॉजिटिव तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, हमें पता है टीवी चैनल कितना होता है, हम जाते भी रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से आप प्रोग्राम दो घंटे का प्रोग्राम करने जाते हैं घर, और इसकी जाकर रिकॉर्डिंग सुने, अगर आप 50% से ज्यादा चीजें मौसमा से ज्यादा फरहान अली साहब ने प्रोग्राम में डिस्कस कर दी, इसका मतलब है आपने प्रोग्राम करने का आग्रह। सही सही, वो हम चीज लेके करने की कोशिश करें कि बोर होने से बेहतर है कि हम कोई अच्छी मालूम देकर उनको महसूस करें, पाकिस्तान के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, अदब के हवाले से, शहर शहरी के हवाले से, बिल्कुल, तो कम अज कम जो बोर होने वाले कानून है वो अपने आप को एक्टिव होकर बेहतरीन तरीके से आपको प्रोग्राम को, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट, वेलकम बैक, और अच्छा जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर एक कॉल को मजीद शामिल करूंगी, फिर आपसे इजाजत लेने का वक्त आ जाएगा, बिल्कुल जी, ठीक है, सो चले पहले एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, काशिफ अली मलिक खान जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है काशिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, उसकी रहमतें बरकतें नियमतें सब साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब की तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल जी, बेहतर है काफी, अल्लाह का शुक्र है जी, क्या कहेंगे? टॉपिक पर तो मैंने जवाब दे दिया है, और थोड़ी सी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है क्या? जी जी, जरूर जरूर जरूर। देखिए, नया साल जो आता है ना, नया साल हमारे को खुशी मनाने के लिए नहीं आता, जैसे मुहर्रम के जो दिन होते हैं, ये हमारे को एक सबक सिखाया है, सबक है हमारे लिए ना इसके अंदर, आप देखें इसके अंदर लाइफ कैसे गुजार रखी है। हम क्या है, हम छोटी छोटी चीजों पे अपने आप को इतना कर लेते हैं कि हद है उसकी, हमारे को हर चीज को जो बड़े मसाइल होते हैं ना उनको इग्नोर करना चाहिए। आप हजरत उमर को देखें कैसी अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, कैसी उन्होंने खूबसूरत तरीके से अपनी हुकूमत चलाई, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हजरत इमाम हुसैन हो गए, इमाम हसन हो गए, इनके देखा जाए हमारे को पता चलता है कि हमारे को जिंदगी गुजारनी कैसे, आपकी आवाज बहुत जो है ना कट कट के आ रही, किसी ऐसी जगह पे चले जाइए आप ताकि आवाज आपकी प्रॉपर आ जाए, ऑन एयर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं जा रही। देखिए, यहाँ ट्रांसफर हुआ है ना, यहाँ सिग्नल का भाव इशू होगा। अच्छा, वहाँ से हट गया साइड से ना, अभी दूसरी साइड पर। अच्छा अच्छा, सही है, में थोड़ी सी अब मुश्किल माजरा उसके साथ, कोई बात नहीं जी। हाँ, आप काम इतना अच्छा कर रहे हैं, मुल्क को कौम की जो है वो खिदमत कर रहे हैं, सेफ रख रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, तो ठीक है। जिंदगी जो है ना, हजरत इमाम हुसैन ने और हजरत इमाम हसन ने कैसे गुजारी है,
ये हमारे को एक सबक दिया आप किस तरीके से हुकूमत की हजरत उमर ने और किस तरह से आप हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन हजरत अली फरमाते हसन मेरा ऐसा बेटा था कि वो मेरे पीछे चला करता था। पीछे कैसे चला करते थे, तो अगर मैं आगे जा रहा हूँ ना तो कभी मुझसे आगे नहीं हुआ करते थे। अगर मेरे साथ खाना खा रहे तो वो मुझसे पहले लुकमा नहीं लगाया करते थे। अगर मैं बैठा हुआ हूँ मैं अपने वालिद से पहले बैठा नहीं करता था। जब तक कि मेरे वालिद साहब मुझे हुक्म ना दें कि बेटा आप बैठ जाओ, तब तक कि मैं बैठा नहीं करता था। और आजकल हम लोग अपने हिसाब देख लें तो यहाँ पर खड़े होना भी वालिद साहब के साथ अजीब समझा जाता है ना कि यार वो वालिद साहब आ गए। कौन लोग हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बहुत मैंने बहुत देखे आप, हाँ क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गालियां देते हैं, मारे मैंने खुद ने देखे अपनी निगाहों से। बड़ा अफसोस होता है कि अल्लाह पाक ने इतना बेहतरीन रिश्ता हमारे को दिया हुआ है और इस्लाम एक ऐसा बेहतरीन मजहब है जिसके अंदर अपना तमाम रिश्तों को फजीलत दे रखी है जितने भी हैं, और इसके सामने माँ बाप को रोडों पे धक्के देते हुए गालियां देते हुए मारते हुए देखा। यहाँ तक के गुस्सा तो इतना आता है अगर कभी उनके ऊपर हाथ भी उठाया है ना तो यहाँ तक के वालदेन रोक सकते हैं कि यार आप ये क्या कर रहे हो, हमारी औलाद है वो हमारे साथ जैसे दिल करे वो करें। लेकिन ये अफसोस होता है देखते हुए कि अब हम इतनी जो अपनी दुख उठा उठा के मतलब मेरे ख्याल से तो ये जो आपने कहा ना कि जो ऐसी औलाद है, मेरे ख्याल से फिर ऐसी औलाद फिर ना ही हो तो बेहतर है जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए, तो मेरे ख्याल से इससे बदतरीन औलाद तो कोई हो ही नहीं सकती। इससे बेहतरीन हकीकत है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है देखे ना तकरीबन जगहों पे हमारे बुजुर्ग मांगते हुए नजर आते है ना, ये देखे क्या है हमारे हमारी छोटी छोटी सी गलतियों पे हम लोग इतने बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं, जिसके पीछे जन्नत को हम अपने हाथों से बदनाम कर रहे हैं। हम अपने वालिद साहब की कोई इज्जत नहीं कर रहे, जो दरवाजा है हमारे जन्नत का उनकी इज्जत नहीं कर रहे। हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमने कोई अच्छा काम कर दिया। नेकियां हम लोग बड़ी बड़ी नेकियों के पीछे जा रहे होते हैं ना, बड़ी छोटी अगर नेकी होती है ना कॉल ड्रॉप हो गई है, और आई गेस ये सिग्नल के इशू की वजह से हुआ है ऐसा कि कॉल ड्रॉप हो चुकी है। कॉल्स अब हम शामिल एक कॉल को शामिल करूंगी लेकिन थोड़ी सी देर में। और ठीक है भाई, कुछ कमेंट्स को भी शामिल कर देते हैं बैक टू बैक, मैंने बहुत सारी कॉल्स को शामिल कर लिया। काशिफ अंसारी कहते हैं यहाँ पर मैं तो कोई अफवाह नहीं उड़ाना चाहता, आप ही कहेंगी तो बात ज्यादा दूर तक जाएगी आप ही उड़ा दें मेरी शादी अगले माह सही है। एहसन अली खास खैली बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और साथ साथ कहते हैं कि पहली बार शामिल हुआ बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि वो तो अच्छा हुआ बादामी अपनी जगह कश्मोर का नाम बता दिया, नहीं तो मैं समझा कि हमारे कमेंट के बाद ना टीवी शो वाले एंकर बादामी साहब आपके शो में हाजिर हो गए अच्छा जी, मोना फरहान अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आरजे, जश्न आजादी आने वाली है, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी तो बहुत दूर है भैया, अभी से आप लोग क्यों जो है ना मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या हो गया। काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि आप मुझे तो कोई भी ड्रामा दो तीन बार देख लूं तो फिर अच्छा नहीं लगता, दो तीन बार भी देख लेते हैं आप ये बड़ी बात है रिपीटेड। एहसन अली बहुत शुक्रिया, कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा है और कहते हैं आपकी कंपेयरिंग बहुत अच्छी है, सही है, चलें जी बहुत शुक्रिया। साथ साथ मसूद अहमद साहब बहुत शुक्रिया, कहते हैं पूछना ये था कि पाकिस्तान का मंशहूर ड्रामा ना करे थे कि पढ़ नहीं सकती मैं ये। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया अच्छा ठीक है। शाजिया बहन ऐसा लग रहा है कि आज नींद में सुना रही हैं, अच्छा गाया उन्होंने, हाँ वो गाना इतना सैड है ना कि बस मदद अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो मैं एक लास्ट कॉलर को शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या हाल है अवधि साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली मेरी कॉल लग गई। कौन सा दिन है आज, कौन सा दिन है आज, है मंडे। आपने ना तारीख में रकम करना है, ये नाम क्या, तारीख में रकम कर ले, ये तारीख, सॉरी तारीख में रकम कर ले, तारीख सुनहरी लफ्जों से ना तारीख में अपना इस तारीख का नाम लिख ले। स्पेशल डे, हाँ जी बताइए। ईमे का जिक्र इतनी तशरी करना ठीक नहीं था, कोई नाश्ता कर रहा होगा
उल्टी हो गई होगी अभी तक तो। बस कर दे, मैंने जानबूझ के आपका वो कमेंट नहीं पढ़ा और आपने यहाँ पे आके बता दिया। हदे यार, हदे। हाँ तो इतना बड़ा जब कह दिया तो कमेंट तो वैसे ही सिंपल था। हाँ तो भाई और ऐसा हुआ इसमें, झूठ क्या है, सच है ये तो। अब कोई कीमे का, कोई भी अपना कीमे का समोसा नहीं खाएगा, कीमे का समोसा नहीं खाएगा कोई भी। सिर्फ कीमे का समोसा नहीं, होटल में हाँ। कीमे के सालन वगैरह भी नहीं लेना। हाँ, वो भी, जो भी है। अच्छा नहीं, मेरी मैं कीमे के हवाले से और भी वो है कि कीमे की जो कीमा होता है उसका गोश्त वगैरह तो उस तरह से हासिल किया जाता है हाँ। वो तो बिल्कुल वही है, लेकिन वो गोश्त नहीं होता, उसमें चर्बी वगैरह और इस तरह से ना वो कट करके उसको डाल दिया जाता है। खाते भी अक्सर महसूस करेंगे कि वो चप नहीं रहा, क्योंकि वो चर्बी होती है तो वो चपती नहीं है, क्योंकि वो जरे जरे सा नहीं होती दांतों में, तो महसूस होता है। तो कीमा बाहर का तो खाना ही नहीं है बॉस। सही बात है, बिल्कुल। ये डिलीवरी 10 रुपए का रोल मिलेगा तो कीमा जाहिर है ये। अब ये खुद इंसान सोचे ना कि ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, तो बस इससे बेहतर तो बंदा चाइनीज रोल खा ले, है ना, वेजिटेबल रोल्स खा ले बस। और बताइए और क्या कहेंगे। अरे मैं थोड़ा सी उसके लिए नाराजगी करने आया हूँ अपने आप। अच्छा हाँ, क्या हो गया। मैं देखें बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें नहीं सीखी ना, बहुत सारी चीजें सीखने का टाइम भी है, नहीं सीखते। खास तौर पे किसी से भी कहूँ ना मैं कि यार वो दोस्त से कहूँ कि नमाज पढ़ा दीजिए जोर की, तो वो ऐसे शर्मीले होंगे, ऐसे वो हो रही जैसे पता नहीं कौन से नॉन मुस्लिम वाली करके कितना बड़ा काम दे दिया। ये टिकटॉक स्टार वगैरह ये जो बनाते हैं, इनसे अगर कहें ना, अगर 10-15 लोग बैठे हुए आप जरा दुआ के लिए हाथ उठाएं और दुआ करवा दें। वो मैं कहा अरे आप तो स्टार है ना, इतने बड़े वो करते हैं, आप जरा दुआ करवा दें, तो शर्मीलेपन का इतना होगा कि जैसे कोई खातून देखने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इंतहा है ना कि दीन हमें इतना इल्म नहीं है कि आपने देखा होगा, हमने देखा है जो हम देखते रहते हैं जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ने नहीं आती हमें, नमाज जनाजा की दुआ मालूम तो दूर की बात है, नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ने आती। सही, नमाज जनाजा पढ़ने आते हुए 50 लोग तो पीछे खड़े होते हैं, अगले 30 लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं। क्या हमदर्दी है आपको मरहूम जाने वाले से, जरा मुझे बताइएगा क्या हमदर्दी है। आप तो नमाज जनाजा पढ़ नहीं रहे, और नमाज जनाजा ही असल हमदर्दी है नमाज जाने वाले से, कि उसके इसाल की तरकीब बनेगी, उसके इसाल सवाब की तरकीब बनेगी, जितने लोग पढ़ेंगे तो उसको मतलब, और ऊपर से इल्म भी नहीं है, सीखना भी नहीं है। कल में पूछ लीजिए मुझसे पूछ लीजिए, अभी कोई सवाल पूछ लीजिए, मैं अरे हाँ छोड़े ना करके, मुझे भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ना मुझे सीखने की जरूरत है, ना सीखना है, फालतू टाइम जाया करना है। दीन का अलीफ का इल्म नहीं है, ये तक तो दूर बेस है, ये तक तो दूर अलीफ भी इल्म है, और सीखना भी नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें आपको होसल के फराइज आने चाहिए, वजू के फराइज आने चाहिए, बस नमाज कैसे होगी, होसल के फराइज आने चाहिए, आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे। ओके, आपने क्या मना और बहुत सारे मामला हैं जिंदगी के, अगर कोई बता पूछ भी लेना, ये टिकटॉक स्टार जो इतने बड़े बड़े बनते हैं ना, ये यकीन मानो मुझ जैसे बंदे को भी इतनी शर्मिंदगी होती है कि यार ये नहीं पता, यार ये नहीं पता। दीन सीखना बहुत जरूरी है, दीन की खास मालूमातें होनी चाहिए। बुखारी मुस्लिम की वाज़े हदीस है, सर और सीना पीटना हराम है। अच्छा, हराम, अच्छा एक जान है ही नहीं। अच्छा एक तो बात मैं कहूंगी, हाँ ठीक है आबिद अमीर, जब कंट्रोवर्शियल जो भी बात होती है ना वो मैं हमेशा मैं कहती हूँ, नहीं, वो एक फिरका टारगेट हो रहा है ना इस पे, तो इसलिए इस हवाले से बात नहीं करनी, सही है, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन बस जब कुछ टारगेट हो रहा है तो फिर उस पर बात नहीं करनी, ठीक है। नहीं टारगेट सवाल ही पैदा नहीं होगा, टारगेट होगा हो रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ, मतलब ये दीन सीखना बहुत जरूरी है, हमें छोटे छोटे जो भी बातें जरूर दीन की मालूम चाहिए, कलमे मालूम होने चाहिए हमें। अगर किसी मुसलमान को दावत देनी है इस्लाम की तो मैं तो खुद सिफर हूँ, दूसरे को क्या दावत दूंगा। ये तो सारी बेसिक चीजें हैं, ये तो हमें बचपन में सिखाई जाती हैं, कलमे और बाकी सारी दुआएं और ये फराइज वगैरह, ये तो बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा जो असल चीजें हैं ना वो हमें तो पता नहीं होती हैं। हम आगे बड़ी बड़ी बातें, आपकी बात नहीं कर रही, एक जनरल बात कर रही हूँ, सही है कि मतलब हम इसके अलावा भी आप देखें ना, बहुत सारे इर्द गिर्द आपको लोग ऐसे नजर आएंगे, आपको इतनी बड़ी बड़ी बात करते नजर आएंगे, लेकिन अपनी वो अपना क्या उनका अमल है, वो क्या कर रहे होते हैं, ये भी आप देखें कभी अपने, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे, हाँ बहुत सारे लोग होंगे बच्चे थे तो उनसे पूछा गया भाई आप इस्लामी महीने,
कॉल ड्रॉप हो गई है. आई गेस 4 मिनट हो चुके थे शायद तभी कॉल ड्रॉप हो गई है. भाई देखिए मैं पहले मैं बता दूं आप लोगों को, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मजहब पे अगर कोई बात आप लोग डिस्कस मत किया करें प्लीज. ठीक है, हदीस आप लोग जरूर शेयर करें लेकिन उसका रेफरेंस जरूर शेयर करें. आई विल ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम यू कि भाई आप शेयर करें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी बात करें आके ऑन एयर तो सिर्फ वो आप यू नो आप अकेले जो है वो उस बात को नहीं सुन रहे या कह रहे, वो और बहुत सारे लोग हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू अस राइट, सिर्फ पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान से बाहर भी. तो मजहबी मामलात में किसी भी तरह से हम जो है वो हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते ना, तो इसलिए प्लीज़ आप बिना रेफरेंस के तो कोई बात ना करें पहली बात ये, और फिर ऐसी कोई बात ना करें जो कि कॉन्ट्रोवर्शल हो, किसी के एहसासात को जो है वो ठेस पहुँचे. आपकी बात से ज़रूर इस बात का ध्यान रखा करें राइट, क्योंकि हम मजहबी में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम कर जाते हैं. एक जनरल बात कर रही हूँ, आबिद अमीर को नहीं कह रही है, किसी और को भी नहीं कह रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ. हम मजहबी मामलों में हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं लेकिन हमारा अगर उस पर अमल नहीं है ना तो बेकार है फिर, सही है? क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा, हम इसको हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को हम जो है वो तकरीरें कर करके सुना रहे हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन हम जब वो खुद नहीं कर रहे तो फिर फजूल है. ठीक है, सो इसीलिए आइंदा से मैं बिल्कुल आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज कभी भी मजहबी मामलों में इस तरह बातें आप जब आए ऑन एयर तो सिर्फ अपनी बात करें. मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई ऐसी बात करें, टॉपिक के हवाले से बात करें, जो बात आपके पास रेफरेंस है तो प्लीज रेफरेंस के साथ करें. बात कहीं से कहीं निकल जाती है फिर मजहबी मामले बड़े नाजुक होते हैं और इस पर तो बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं, तो इसलिए बस जरा हौले हौले, ठीक है, जरा धीरे धीरे. कॉल्स को शामिल नहीं करेंगे आप, बहुत हो गया कॉल्स, बहुत सारी बैक टू बैक कॉल्स शामिल कर ली मैंने, थैंक यू सो मच. और मेरी बात का जो है वो बुरा माने बगैर जो सोचिएगा इस पे, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग बातों को बुरा मान जाते हैं, शायद मेरा अंदाज ऐसा होता है समझाने का या बताने का लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं, जो रियलिटी है वो रियलिटी है. एहसन अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा होता है. मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अच्छा जी बिल्कुल ये मैंने शामिल कर लिया था, थैंक यू सो मच. और साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं आपका जो शो के शो एक बार आए तो ठीक है मगर बार बार जो आते हैं अच्छा नहीं लगता. और सही है, कहते हैं अर्थुरुल, बिल्कुल जी आपने बताया. ताहिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं वो मालूम ये थी कि यहाँ सऊदी में रमजान के रोजे के अलावा मुहर्रम अल हराम के रोजे का बड़ा एहतमाम होता है. वाह क्या बात है, वैसे यहाँ पर भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी लोग जो है वो पूरे 10 दिन के जो है वो रोजे रखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम ये रजा साहब हारून सर को अंकल क्यों क्यों कहा था कहते हैं उनके हिसाब से तो मुझे रजा साहब को दादा कहना पड़ेगा, ना करें. साथ साथ खुर्शीद बलोच बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. साथ साथ पद्मा मोतियानी बहुत शुक्रिया, एहसन अली बहुत शुक्रिया. कॉल कहते हैं कॉलर का नंबर दो, अब तो नंबर का टाइम ही निकल गया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, इंशाल्लाह ताला अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान. जब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने जाने वालों भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफरत ज़रूर कीजिएगा. मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद. फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ. Be a one in love.